नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा ग्रुप के फाउंडर्स और ऑनर्स फैमिली की। दोस्तों, टाटा ग्रुप आज इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा नाम है। टाटा ग्रुप का साम्राज्य न केवल इंडिया में बल्कि 80 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। आज के समय टाटा ग्रुप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 50 से ज्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज में अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। टाटा का नाम एथिक्स एंड ऑनेस्टी से जोड़ा जाता है। दोस्तों, जब भी ना टाटा का नाम हमारे सामने आता है तो हमें ऑनेस्टी की फीलिंग होती है। दोस्तों, टाटा का नाम चाहे नमक हो या एयरलाइन, हर क्षेत्र में छाया हुआ है। आज किसी भी घर में टाटा का कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर मिल जाता है। दोस्तों, टाटा ग्रुप की नींव ही एथिक्स और ऑनेस्टी के साथ रखी गई थी। टाटा ग्रुप का न केवल इंडिया में बल्कि यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और एशिया के दूसरे देशों में भी उनके प्लांट और सर्विसेज स्थापित की हुई है। दोस्तों, रतन टाटा का नाम आज बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है और उनकी सादगी की खबरें हमेशा मीडिया में छाई रहती है। दोस्तों, लेकिन चाहे अनचाहे रतन टाटा का नाम मुकेश अंबानी के साथ कंपैरिजन में हमेशा किया जाता है, लेकिन दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी और टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा का कोई मुकाबला नहीं है। दोस्तों, दोनों की छवि और पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है। दोस्तों, टाटा फैमिली न केवल बिजनेस करने में बल्कि शुरुआत से ही समाज सुधार के कार्यों और सामाजिक सुधारों एनजीओ आदियों के माध्यम से बहुत बड़ा चैरिटी का काम करते आए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा ग्रुप की फैमिली की, उनके फाउंडर्स और टाटा ग्रुप की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले विजनरी लीडर्स की। दोस्तों, वैसे टाटा फैमिली बहुत बड़ी है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ उन इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज की जिन्होंने टाटा ग्रुप को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। दोस्तों, माना जाता है कि पारसी जाति सैकड़ों वर्ष पूर्व पर्शिया, जो वर्तमान में ईरान है, में निवास करती थी और वहीं से ये दुनिया के दूसरे देशों में फैली। इनमें से कुछ भारत में भी आए। पारसी जाति के लोग मानसिक रूप से काफी सुदृढ़ होते हैं और इनका आचरण बहुत ही गर्मामय होता है। दोस्तों, पारसियों का एक जत्था भारत के गुजरात राज्य के नवसारी शहर में आकर बस गया था। टाटा घराने के संस्थापक जमशेद जी टाटा के पिता नौशेरवाजी टाटा का निवास स्थान भी नवसारी ही था। दोस्तों, नौशेरवाजी समाज के सम्मानित वर्गों में गिने जाते थे। इन्होंने सदियों से चली आ रही परंपरा से चिपके रहने के बजाय आगे बढ़कर कुछ नया करने की सोची और व्यापार को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। इन्होंने इसके लिए बंबई कूच किया और धीरे धीरे अपने व्यापार की शुरुआत की। इसके लिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र जमशेद को भी मुंबई बुला लिया। इनका जीवन काल 1820 से 1904 तक रहा। दूसरा, दोस्तों, नौशेर जी के ब्रदर इन लॉ यानी साले जी थे दादा भाई, जिनका नाम था। दोस्तों, दादा भाई के पुत्र थे रतन दादा भाई टाटा, जिन्हें आरडी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म भी नवसारी में 1956 में हुआ था। अपनी शिक्षा कृषि विज्ञान में लेने के बाद इन्होंने टाटा कंपनी को ज्वाइन किया था और अपने प्रभाव और कौशल से कंपनी को प्रगति की ओर अग्रसर किया। इन्होंने टाटा ग्रुप की विभिन्न कंपनी का भारत और विदेशों में संचालन किया था। इनकी मृत्यु 1926 में हुई थी। दोस्तों, आरडी के पुत्र थे जेआरडी टाटा, इनका जन्म 1904 में पेरिस में हुआ था। इनकी माता फ्रांसीसी थी। जेआरडी टाटा की शिक्षा फ्रांस और जापान में हुई थी। उन्होंने कुछ समय फ्रांस की सेना में भी बिताया था। दोस्तों, उसके बाद ये भारत लौट आए और अपने पिताजी के साथ बिजनेस ज्वाइन कर लिया। उन्होंने एक सहायक के रूप में शुरुआत की थी और 1938 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन के पद तक वो पहुंचे थे। वे एक करिश्माई व्यक्ति थे और उन्होंने लगभग 53 वर्षों तक भारत के औद्योगिक विकास में अपना योगदान दिया था। उनकी शादी थेल्मा से हुई थी, लेकिन इनके कोई संतान नहीं थी।
अब दोस्तों बात करते हैं नौशेरवाजी के पुत्र जमशेद जी की, जिनका जन्म 1839 में नवसारी में ही हुआ था और जिन्हें आधिकारिक रूप से टाटा ग्रुप का संस्थापक कहा जाता है। उन्हें भारतीय उद्योग जगत का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों 1904 में अपनी मृत्यु तक उन्होंने टाटा ग्रुप की एक मजबूत नींव रख दी थी। उन्होंने अपने समय कई उद्योगों में हाथ आजमाया और सफल भी हुए। जमशेदपुर का नाम दोस्तों इन्हीं जमशेद जी टाटा के नाम पर रखा गया है। दोस्तों नौशेरवाजी की एक बड़ी बेटी भी थी जिनका नाम वीरबाई था, जिनकी शादी बापूजी सकलतवाला से हुई थी और उनके पुत्र थे नौरोजी सकलतवाला ने टाटा ग्रुप ने अपना अहम योगदान दिया था। नौरोजी ने भी अपना योगदान टाटा ग्रुप में बहुत ही अच्छे तरीके से दिया था। इनका जीवन काल 1820 से 1904 तक रहा था। दोस्तों अब बात करते हैं जमशेद जी के दो पुत्रों की। सबसे बड़े पुत्र थे दोरोगजी टाटा और छोटे पुत्र थे सर रतन टाटा। जमशेद जी के बाद दोरोगजी ने टाटा ग्रुप की विरासत को न केवल संभाला बल्कि बहुत आगे भी बढ़ाया। दोरोगजी ने टाटा कंपनी को मुसीबतों से निकालकर नई बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किया था। वे क्रिकेट और फुटबॉल का भी शौक रखते थे। इनकी शादी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की पुत्री मेहरबाई से हुई थी। दोस्तों इनका जीवन काल 1859 से 1832 तक रहा था। इनके कोई पुत्र नहीं था। दोस्तों जमशेद जी के छोटे पुत्र सर रतन टाटा का जन्म 1871 में हुआ था और उनकी शादी नवाजबाई से हुई थी। उन्होंने ज्यादातर समय इंग्लैंड में ही बिताया और वहीं से टाटा ग्रुप की कंपनियों का कामकाज देखते थे। उन्होंने कई सामाजिक संस्थानों को दान भी दिया था। उनके भी कोई संतान नहीं थी और उन्होंने नवल होरमुस जी टाटा को गोद लिया था। 1918 में इनकी भी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों अब बात करते हैं नवल होरमुस जी टाटा का जन्म 1904 में बंबई में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिताजी अहमदाबाद के एक मिल में स्पिनिंग मास्टर थे। जब नवल होरमुस जी 4 वर्ष के थे तब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। नवल जी को अपना बचपन अनाथालय में गुजारना पड़ा। वहीं पर नवाजबाई ने उन्हें गोद ले लिया था। बड़े होने पर नवल जी अपनी योग्यता से टाटा ग्रुप की प्रगति में अहम योगदान दिया था। नवल होरमुस जी टाटा ने अपनी मृत्यु 1989 से पहले 2 शादियां की थी। पहली सुन्नी जी से तथा दूसरी शादी एक विदेशी महिला सिमोन से, जिनसे उन्हें एक नोएल टाटा पुत्र हुआ था। दोस्तों अब बात करते हैं उनकी पहली शादी से हुए पुत्र रतन टाटा जी की। दोस्तों रतन टाटा होरमुस जी टाटा और सुन्नी जी के बड़े पुत्र थे। इनका जन्म 1937 में बंबई में हुआ था। रतन टाटा ने आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में शिक्षा ली थी तथा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट प्रोग्राम का कोर्स भी किया था। 1962 में भारत में आने के बाद उन्होंने टाटा ग्रुप में काम करना चालू किया। दोस्तों टाटा स्टील में अपने काम की शुरुआत इन्होंने नीली वर्दी पहनकर अन्य कर्मचारियों की तरह ही की थी। रतन टाटा ने अपनी प्रतिभा और दूरदर्शिता से टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और पूरे विश्व में एक नई पहचान दिलाई। दोस्तों रतन टाटा ने ग्रुप को एक नई चमक प्रदान की थी। रतन टाटा ने ग्रुप के कामकाज में काफी बदलाव किए और जिसका फायदा टाटा ग्रुप को भी हुआ और टाटा देखते ही देखते बुलंदियों को छूने लगा। रतन टाटा ने कारोबार का विस्तार कई क्षेत्रों में किया। रतन टाटा को हर भारतीय बिजनेसमैन एक आइडियल के रूप में देखता है। दोस्तों इनका जीवन बहुत ही सादगी भरा है और बिजनेस लीडरशिप को पूरा विश्व आज भी मानता है। दोस्तों नवल होरमुस जी टाटा और सुन्नी जी के दूसरे पुत्र जिमी टाटा है। तो दोस्तों यह थी टाटा ग्रुप की फाउंडर्स फैमिली की कहानी। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर आप जरूर करिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।